नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्ता। कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा प्रखंड के मैनातपुर गांव में आगामी 30 मार्च से 6 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 20 मार्च को प्रखंड वासियों के द्वारा भूमि पूजन का कार्य विधिवत ढंग से सम्पन्न हुआ। बताते चले कि भागवत महापुराण की कथा को लेकर ग्रामवासियों के साथ साथ प्रखंड वासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यह पावन कथा नव निर्मित बजरंगबली मंदिर के प्रतिमा स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामनवमी के शुभ अवसर पर रखा गया है। वहीं भूमि पूजन के अवसर पर गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए खबरों के अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम भास्कर आयुर्मय दिवाकाराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदया स्वाहा तं सूर्याय तं नामा मम। अभी जो यहाँ पूजा हो रहा है, इसका उपलक्ष्य क्या है? किस उपलक्ष्य में यहाँ पे हवन और पूजा का आयोजन हो रहा है? बजरंग बली मंदिर का स्थापना एवं भागवत ज्ञान महायज्ञ को संपन्न कराने के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? ये मैनातपुर ग्राम के वार्ड नंबर 4 में हो रहा है। और आगे का क्या प्रयोजन है इसमें? आगे का प्रयोजन है 30 मार्च को कलश यात्रा, बजरंग बली मंदिर का स्थापना, 31 मार्च से 4 अप्रैल तक भागवत ज्ञान कथा और 5 अप्रैल को गायत्री दीप महायज्ञ, 6 तारीख को गायत्री हवन यज्ञ। ये जो हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये मैनातपुर ग्राम के वार्ड नंबर 4 में हो रहा है। मैनातपुर ग्राम पड़ता कहाँ है, किस जिला में पड़ता? कोढ़ा प्रखंड कटिहार जिला में पड़ता है। कटिहार जिला में तो बाहर से भी क्या इसमें पंडित वगैरह बुलाए जाएंगे? बाहर से पंडित आ रहे हैं, त्रिभुवन पांडे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है विलुप्त हुई हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम विनय कुमार सिंह, ग्राम मैनापुर, थाना कोढ़ा, जिला कटिहार। धन्यवाद सर। अभी जो ये पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, किस उपलक्ष्य में चल रहा है और इसका जो कार्यक्रम का शुरुआत जो है, ये कब से हुआ है? अभी भी चल रहा है, वो 30 तारीख को बजरंग बली का जो स्थापना। जी जी, उसी उपलक्ष्य में जी जो हम लोग भागवत कथा भी यहाँ करवा रहे हैं। जी उसी का कलश यात्रा भी 30 तारीख को होगा। जी, और उसके बाद जो है कि फिर 31 तारीख से 7 दिन तक भागवत कथा। कार्यक्रम का सर क्या है ये? आज मतलब जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। जी, भूमि पूजन के बाद जो है फिर कार्यक्रम शुरू। तो कार्यक्रम का कोई लिस्ट होगा ना सर, कितने तारीख को क्या होना है, जो कि लोगों को हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाए कि यहाँ उनको कब कलश यात्रा में, कब भक्ति कथा में सम्मिलित होना है? 30 तारीख को जो है कलश यात्रा होगा। जी, सुबह 6-7 बजे से। जी कलश यात्रा होगा। जी, और उसके बाद फिर 30 तारीख को रात में ही बजरंगबली का स्थापना होगा। जी, और 31 तारीख से जो है भागवत कथा होगा। जी, तो 7 दिन तक लगातार 30 तारीख से 31 तारीख तक होगा। सर परिचय? मेरा नाम जगत नारायण सिंह, मुखिया प्रतिनिधि मैं। धन्यवाद। तो